बता देती। आप लोग मुझे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं इस चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि कोटरा डांस 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को लेकर आया था, विद्यालय दर्शन। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आपने देखा था बेड़ादर के खैरानी स्कूल की कहानी, वहाँ के स्कूल का कैसा माहौल है। अब आज हम इस कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में राज्य के प्राथमिक विद्यालय डीआर की स्थिति के बारे में जानेंगे। वहाँ के टीचर कैसे रहते हैं, खाना बनता है या नहीं, या फिर वहाँ के स्कूल के बच्चों का क्या कहना है। तो आइए जानते हैं राज्य के प्राथमिक विद्यालय डीआर की स्थिति के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आए हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढीया में। आइए देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। अभी घड़ी में 2:30 बजे हैं। ये स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढीया। एक कमरा खाली है, सामान रखा हुआ है, कोई नहीं है। आगे देखते हैं। नमस्ते, आप यहाँ पढ़ाते हैं? क्या नाम है आपका? नरेश। ओके, कहाँ से हैं आप? आशावाड़ा से हैं। आप यहाँ सरकारी टीचर है या नहीं? हम संस्था तरफ से। कौन सी संस्था? आदिवासी विकास मंच। आदिवासी विकास मंच। तो स्कूल के टीचर कहाँ हैं? स्कूल के टीचर तो है अभी। कहाँ है? अभी थोड़ा काम था इसलिए घर गया। हाँ, घर पास है। क्या नाम है? लक्ष्मीलाल। और बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या तो टोटल नामांकन तो है 36। और अभी आए कितने हैं? अभी आने में तो थोड़े कम ही आए हैं। ओके, कहाँ कहाँ से आते हैं बच्चे? बस ये आपस में तो 1 किलोमीटर के आसपास। खाने में इनको क्या क्या मिलता है? खाने में तो ये भोजन चावल जैसे मिलते हैं, चावल है, दाल रोटी बनाते हैं, दाल बाटी है। दूध मिलता है? हाँ, दूध तो अभी तो मिलता है बच्चों से पूछते। पांची वाला कौन कौन है, हाथ ऊपर करो। कोई नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? बोलते हैं राधा। क्या नाम है? राधा। राधा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? चौथी क्लास में। आपको दूध मिला आज? ना। कल मिला था? उससे पहले दिन? दूध मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। अच्छा, रोटी सब्जी बनती है कि नहीं? नहीं बनती है। दाल ढोकली, चावल, तो दूध और रोटी सब्जी नहीं मिलती है ना। फल, केले वगैरह कभी लाए? कभी नहीं। आप लोग कहाँ से आते हैं? आपका घर कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में। आप पांचवी में पढ़ते हैं। ठीक है। खाना किसको बनाते हैं? खाना तो इस तरह से। बाथरूम है यहाँ पर? हाँ, बाथरूम चालू है कि बंद है? तो चालू है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पैसा वगैरह? तो दोस्तों अभी हम देखेंगे ढीया स्कूल का बाथरूम। आइए ना, कि उसकी क्या स्थिति है और पीने का पानी कहाँ से लाते हैं। तो आप देख सकते हैं ढीया स्कूल का बाथरूम। ये है ढीया स्कूल के बाथरूम, आप देख पाएंगे। और यहाँ पर ये बंद है, देखते हैं खोल के क्या स्थिति है। ओह,
आप देख सकते हैं कि बाथरूम पूरी तरह क्लीन है, लेकिन ऊपर जो है वो कुछ छत नहीं है। ये लड़कों का कि लड़कियों का? हाँ, अभी बने या पहले से बने हुए? ये भी क्लीन है लेकिन ऊपर छत नहीं है। ऊपर ये क्यों नहीं ढका है? इस साल ही लगे हैं अभी। अच्छा, तो यहाँ सरकारी टीचर कितने हैं? ये हेडफोन चालू है कि बंद है? कितने समय से? कुआं कितना दूर है? और ये क्या है, रसोई? चाबी है आपके पास? खुला है? तो दोस्तों आप रसोई घर बना हुआ देख सकते हैं। आज क्या बनाया खाना? चावल बनाए हैं। तो बच्चे ये बोल रहे हैं रोटी सब्जी नहीं बनती है। आप कब से काम कर रहे हैं? मैं तो कम से कम 4 महीने। 4 महीने हो गए। तो 4 महीने में आपने कभी देखा रोटी सब्जी बनी हो? नहीं, आप जब आए आपने देखा कभी बनती? नहीं, बच्चे ने मना बोला, इसलिए आपने देखा या नहीं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, बच्चों ने तो जैसे मना बोला ना, आपने कभी देखा क्या रोटी बनी हो, रोटी सब्जी? और दूध? दूध तो दे रहे थे। दूध दे रहे थे। तो दोस्तों मैं हूँ अभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढिया में। आप देख रहे हैं ढिया की स्टोरी। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और स्कूल की स्टोरी के साथ। आप इसी तरह बने रहिए आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटडा टाइम्स में। नमस्कार। तो दोस्तों आपने देखा डीआर स्कूल की क्या स्थिति है। मैं चाहूंगी आपके आसपास भी कई ऐसे स्कूलें हैं जहाँ की स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता, यानी कि अधिकारी भी वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। वहाँ के लोगों को भी स्कूल में आने की फुर्सत नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने नजदीकी स्कूल में जाएं, वहाँ देखें कैसा माहौल है, क्या सुधार हो सकता है, वो प्रयास करें। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। अगर आप ये भी चाहते हैं कि कोटा टाइम्स की टीम आपके स्कूल में आए तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर 9079972740 पर। हम आगे और मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ विद्यालय दर्शन में। तब तक के लिए नमस्कार।